गुड मॉर्निंग भारत, आप देख रहे हैं एबीसी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कोमल गुवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम रोज़ाना जैसे कि न्यूज़पेपर से शुरुआत करते हैं, बड़ी बड़ी खबरों की बात करते हैं, बाद में हम जो आगे के पेजेस की खबरों को लेते हैं उसी तरह से शुरुआत करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण की जब हम बात करेंगे तो शुरुआत करेंगे कोरोना मीटर से, क्योंकि कोरोना मीटर से हमें पता चलता है देश भर के आंकड़े, साथ ही साथ दुनिया भर में कितने आंकड़े हैं कुल कोरोना मरीजों के, अन्य देशों में क्या स्थिति है, ये सब हमें कोरोना मीटर से पता चलता है। तो कोरोना मीटर की बात करते हैं, दुनिया भर में क्या आंकड़े हैं, कितने लोग संक्रमित हैं, कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोग स्वस्थ हुए हैं, चलिए बात कर लेते हैं। विश्व भर के आंकड़ों की बात की जाए तो 30,14,895 लोग संक्रमित हैं, 2,07,928 लोगों की मौत हुई है, 8,88,543 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अगर दुनिया भर के आंकड़ों की बात की जाए तो ये दुनिया के आंकड़े हैं कोरोना केसेस को लेकर। अमेरिका की बात की जाए तो 9,95,000 लोग संक्रमित हैं अमेरिका में, हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं अमेरिका में। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त स्थिति ख़राब है तो वो है अमेरिका की स्थिति, जो महाशक्ति कहलाया जाता है वहीं पर इस वक्त कोरोना की मार सबसे ज़्यादा पड़ रही है। 56,139 लोग की मौत हो चुकी है अमेरिका में, 1,18,781 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्पेन की बात कर लेते हैं, स्पेन में क्या हालात हैं इस वक्त। स्पेन की बात करेंगे तो 2,29,422 लोग संक्रमित हैं, 23,521 लोगों की मौत हुई है, 1,20,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अब भारत की बात कर लेते हैं, हमारे देश में क्या स्थिति है, कितने आंकड़े हैं कोरोना संक्रमितों के, तो बता दें 28,964 लोग इस वक्त भारत में संक्रमित हैं, 923 लोग की मौत हुई है और 6,356 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। जो कोरोना मीटर बता रहा है वो उसके अनुसार हमारे देश में जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि 28,964 लोग संक्रमित हैं, 923 लोगों की मौत हो चुकी है, 6,356 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़ों को देखते हुए सरकार कदम उठा रही है, सोचने वाली बात है कि ये अब आंकड़े कब खत्म होंगे, कब कम होंगे, कब कोरोना मुक्त भारत हो पाएगा। बात कर लेते हैं, अगर राज्यों के अनुसार बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में केसेस हैं, फिर दिल्ली में, ये तीन राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस इस वक्त हैं। खबरों की बात करेंगे तो आर्थिक गतिविधियां भी ज़रूरी, राज्य करें तैयारी, पीएम। बता दें बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी जिसमें लॉकडाउन को लेकर विचार विमर्श किया गया था, साथ ही साथ कोरोना से लड़ने के लिए कुछ रणनीतियां बनाई गई थी, इन सब की बात हुई थी और लॉकडाउन कब बढ़ाया जाएगा इस पर भी विचार विमर्श किया गया था कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं। हालाँकि 10 राज्यों ने अपनी सहमति जताई है, 10 राज्यों ने खुद से ये बात कही है कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, जिनमें आपको बता दें तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ा भी दिया गया है। तो मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में पीएम बोले अगले हफ्ते से जिलेवार मिलेगी राहत, तो जो राहत मिलेगी वो जिलेवार तरीके से मिलेगी, एक एक जिले में जहां हॉटस्पॉट है वहां पर राहत नहीं मिल सकेगी आपको बता दें, और जो कुछ जोन बनाए जाएंगे इस तरीके से, रेड जोन है, ग्रीन जोन है, येलो जोन है, ऑरेंज जोन है, इस तरीके से काम किया जाएगा और जोन के आधार पर लॉकडाउन खोला जाएगा या फिर लॉकडाउन में राहत दी जाएगी। चर्चा में 9 मुख्यमंत्रियों ने रखी राय, अधिकतर राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में, प्रधानमंत्री ने सभी को सराहा, कहा लॉकडाउन का मिला लाभ, हजारों लोगों की जिंदगी बची। तो ये तो शुरू से ही कहा जा रहा है कि लॉकडाउन से जो कोरोना के आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित किए गए हैं, क्योंकि हज़ारों के आंकड़े लाखों में जा सकते थे, लेकिन अब देखने वाली बात है कि लॉकडाउन 2 जारी है, 3 मई तक ये लॉकडाउन 2 जारी रहेगा, लेकिन क्या इसके बाद आंकड़े कम होते हैं, नियंत्रित होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अखबारों पर उद्धव सरकार की राय सतही, हाईकोर्ट, क्या है खबर आपको बता देते हैं पूरी। अदालत ने कहा विशेषज्ञों के मुताबिक अखबारों से नहीं फैलता कोरोना, महाराष्ट्र सरकार के हलफनामे पर औरंगाबाद बेंच ने जताई असहमति। जो असहमति जताई है वो ये है कि अब जो अखबारों के जरिए कोरोना
फैलाने की बात कही गई थी महाराष्ट्र में, उस पर हाई कोर्ट के जरिए जो निर्देश आए हैं वो ये कहा गया है कि कोरोना अखबारों से नहीं फैलता, इसीलिए उन्होंने हलफनामे, औरंगाबाद जो बेंच है हलफनामे पर अपनी असहमति जताई है। साथ ही साथ आपको बता दें लॉकडाउन के दौरान अखबारों की पाठक संख्या बढ़ी है क्योंकि लोग कोरोना के बारे में अधिक से अधिक ताज़ा, विस्तृत और सटीक जानकारी चाहते हैं, तो अखबार को तो बंद नहीं किया जा सकता। वहीं आप बात कर लेते हैं अगली खबर की, अगली खबर की बात करेंगे तो टैक्स बढ़ाने का सुझाव देने वाले अफसर हटाए गए। खबर बता देते हैं राजस्व विभाग के 3 अधिकारियों पर गिरीगाज, पद से हटाए गए प्रशांत भूषण है बेगूसराय की कांग्रेस विधायक के पति, राजस्व अधिकारियों के संघ के तरफ से दिया गया था सुझाव। जो टैक्स बढ़ाए जाने के सुझाव दिए गए थे उन अफसरों को उनके पद से हटा दिया गया है। बात कर लेते हैं अब अगली खबर की, एक खबर है मैं भी हरजीत सिंह से और चौड़ा हुआ पंजाब का पुलिस का सीना। खबर आपको बताते हैं कि क्या है खबर, ये हर किसी का दिल जीतना तो उसके नाम में शुमार है हरजीत, यानी कि हरजीत का नाम ही ये होता है कि हर किसी का दिल जीत लेना, फिर वो चाहे कैसे अपने नाम का नाम को निरर्थक जाने देता, वो भी सिंह भी है और इसलिए हौसला तो उनकी फितरत का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि वैसाखी के दिन एसआई हरजीत सिंह और उनके साथी पटियाला में कोरोना को रोकने के लिए लगा जो कर्फ्यू था उसका पालन कराने गए थे। कर्फ्यू पास मांगने पर निहंग सिंह ने तलवार से हमला बोल दिया था और उनका हाथ काट दिया था। आपको बता दें ये वही घटना है जिसमें जो एसआई हैं उनका हाथ काट दिया गया था और खुद वो अपने हाथ को लेकर सर्जरी के लिए जब गए थे तो 7.5 घंटे की सर्जरी के बाद उनका हाथ जोड़ा गया था। तो ये वही हरजीत सिंह हैं जिनकी सर्जरी हुई थी पटियाला में, जो हादसा हुआ था कर्फ्यू पास मांगने पर ये हादसा हुआ था, ये घटना हुई थी। निहंगों को हालांकि गिरफ्तार जरूर किया गया था लेकिन ये घटना अभी भी सबके दिमागों में है। तो चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर ने 7.5 घंटे की मेहनत के बाद उनके हाथ को फिर से जोड़ा था। इस सब के दौरान हरजीत ने जबरदस्त हौसला दिखाया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्या कहा है उन्होंने आपको एक बार बता देते हैं कि जो भी मेरे साथ हुआ उसे एक सबक लेने की ज़रूरत है, साथ ही साथ जो निहंग थे उनको सबक लेने की ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त पुलिस जो है मदद करने की कोशिश कर रही है तो उनकी मदद की जाए, ना कि इस तरीके की हरकतें की जाए। तो लुधियाना में हरजीत सिंह के नेम प्लेट लगाकर उनका हौसला बढ़ाते हुए पुलिस वाले दिखे, जिस तरीके से उन्होंने अपना उनके हौसला अफजाई की है उनके नाम की नेम प्लेट अपने सीने पर लगाकर, जी हाँ उनके नाम की, हरजीत सिंह के नाम की प्लेट नेम प्लेट लगाकर जो हौसला अफजाई की है इस तरीके से उन्होंने एक सलाम किया है उनको। साथ ही साथ जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा है कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हरजीत ठीक हो रहे हैं, उनके हाथों में हरकत फिर शुरू हो गई है, उनके हौसले को सलाम। तो दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जहां पुलिस लोगों की मदद करती हुई दिख रही है, वहीं एक तरफ इस तरीके की तस्वीरें जो पुलिस मदद कर रही है उनके साथ ये बर्बरता की जा रही है। तो सबक लेने की ज़रूरत है इससे। बात कर लेते हैं अगले न्यूज़पेपर की, कोरोना से जंग, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन को लेकर चर्चा की। दैनिक भास्कर की अगर बात करें तो दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर जो खबर है वो भी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्रियों की बैठक को लेकर है, क्योंकि जो बैठक चली थी उसमें विचार विमर्श हुआ था लॉकडाउन को लेकर और कोरोना से जंग को लेकर। तो हॉटस्पॉट के बाहर 4 मई को लॉकडाउन खोलने पर सहमति, यानी कि जो इलाके हॉटस्पॉट नहीं होंगे उनके बाहर जो इलाके ठीक होंगे जहां मरीज नहीं होंगे कोरोना के, वो इलाके खोल दिए जाएंगे या फिर वहां पर राहत दी जाएगी। देखने वाली बात होगी कि पूर्णतः लॉकडाउन खोला जाएगा या कुछ अलग नियम या रणनीति इसके लिए तैयार की जाएगी। अभी 129 जिले हॉटस्पॉट माने गए हैं, इन्हीं जिलों में देश के 91% संक्रमित मरीज हैं। जो 129 जिले हैं उनमें 91% कोरोना के मरीज हैं।
राज्यों के बीच आवाजाही ट्रेन और हवाई यातायात पर रोक रहेगी, चाहे जो राहत है वो मिले या ना मिले, चाहे लॉकडाउन खोला जाए या ना खोला जाए, जब तक पूरी तरह से कोरोना ठीक नहीं हो जाता तब तक जो कहा जा रहा है कि ट्रेनें और हवाई यात्रा नहीं होगी। ये फैसला राज्य करेंगे कि हॉटस्पॉट वाला पूरा ज़िला बंद रखना है या ज़िले के अंदर सिर्फ कंटेनमेंट जोन, जो हॉटस्पॉट ज़िले हैं वो पूरा ज़िला बंद रखना है या फिर कंटेनमेंट जोन, ये तो सिर्फ राज्य सरकार तय करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ राज्य सरकार को निर्देश दे दिए हैं, राज्य को निर्देश दिए हैं कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से अपने राज्य को आगे ले जाते हैं। वहीं उड़ीसा समेत 5 राज्य 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। उड़ीसा पहले भी जब लॉकडाउन 2 लागू किया गया था तो उड़ीसा में पहले से ही लॉकडाउन बढ़ा दिया गया था और अब भी उड़ीसा ने आगे कदम उठाया है। साथ ही साथ उड़ीसा के साथ और अन्य 5 राज्य ऐसे हैं जो 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि सभी राज्यों को बोलने का मौका नहीं। खबर बताते हैं आपको, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों को बोलने का मौका नहीं मिलने का आरोप लगाया है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वो राज्य में केंद्रीय टीम भेजने का मुद्दा बनाती। वहीं स्कूल मॉल बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में निजी वाहनों को चलाने की इजाजत दिए जाने की संभावना, यानी कि निजी वाहन चल सकते हैं, जहां पर ग्रीन जोन है वहां पर निजी वाहन चलाए जा सकते हैं। हरियाणा के मंत्री बोले कोरोना कैरियर्स को दिल्ली में ही रोके अरविंद केजरीवाल। तो हरियाणा में मंत्री ने बोला है कि जो कोरोना कैरियर्स हैं वो दिल्ली में ही रोके जाएं। उनका ये सोचना है कि कोरोना कैरियर्स जो हैं सिर्फ दिल्ली में ही है, ऐसा पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है, क्योंकि कोरोना कैरियर्स हर जगह इस वक्त मौजूद हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कोरोना का संक्रमण हर जगह फैल चुका है और इसकी वजह से अब राज्यों में तनातनी हो रही है। देश में इन्फेक्शन रेट कम लेकिन लॉकडाउन खुलने पर ज्यादा टेस्टिंग जरूरी, पहले जैसा सामान्य होने में सालों लगेंगे, प्रोफेसर शमिका। पहला फेज खतरनाक रहा इसलिए दूसरा भी कम खतरनाक ही होगा। जो पहला फेज था कम खतरनाक था, दूसरा फेज भी इसीलिए कम खतरनाक होगा। इस तरीके से जो लॉकडाउन की बात कही है, पहले जैसा सामान्य समय आने में सालों लगेंगे, ये रिसर्च के अनुसार कहा जा रहा है। बात कर लेंगे नवोदय टाइम्स की। नवोदय टाइम्स की अगर बात करेंगे तो लॉकडाउन बढ़ेगा, पीएम से बैठक में कई राज्यों ने दिया सुझाव, अर्थव्यवस्था में भी समान रूप से भूमिका देखी जाएगी कि अर्थव्यवस्था भी हमारे देश के लिए कितनी अहम है। तो पीएम मोदी का कहना है कि हम अर्थव्यवस्था को देखते हुए आगे चलेंगे, सिर्फ लॉकडाउन बढ़ाना ही देश को बचाने का एक तरीका नहीं है, क्योंकि अगर लॉकडाउन ही बढ़ता रहेगा, सिर्फ लॉकडाउन पर ही ध्यान केंद्रित रहेगा तो देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से सुधारी जाएगी, तो कोई ऐसी रणनीति बनाई जाएगी जिससे लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था दोनों साथ में चल सके। बात करते हैं अगली खबर की। हम अमेरिका और यूरोप से आगे, अधीर रंजन। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेरती रहती है, वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार की तारीफ की है। साफ कहा है कि हम इस वक्त अन्य देशों से, जैसे कि अमेरिका और यूरोप से आगे हैं, क्योंकि कोरोना के जैसे हालात, कोरोना की वजह से अन्य देशों में, अमेरिका या यूरोप में या अन्य देशों की बात कर ली जाए, वैसे हालात हमारे देश में नहीं है। लॉकडाउन की वजह से ये हालात काफ़ी कंट्रोल में है। पंजाब में विशेषज्ञ समूह का मार्गदर्शन करेंगे मनमोहन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब में विशेषज्ञ समूह का मार्गदर्शन करेंगे। एक बार आपको बता देते हैं कि कहां कहां के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने अपने सुझाव दिए हैं। गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और मेघालय। अगर गुजरात के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का कहना है कि धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म किया जाए,
लॉकडाउन खत्म किया जाए लेकिन धीरे धीरे। झारखंड के सीएम ने कहा है, हेमंत सोरेन ने कहा है कि मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है, जिसे देखते हुए फिलहाल यहां बंद में और छूट नहीं दी जा सकती। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का कहना है कि लाखों लोग फंसे हैं जिनकी आवाजाही के लिए राष्ट्रीय मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाने की उन्होंने अपील की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि लॉकडाउन की 3 मई से जो अवधि है बढ़ा देनी चाहिए। अब बिहार की बात कर लें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो कोचिंग संस्थान से छात्रों को लाया गया है, उन्होंने पहले से ही वो उसके खिलाफ थे। उन्होंने यहाँ पर भी बात कही है कि इस तरीके के कदम जो है नहीं उठाने चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और अन्य अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि 3 मई के बाद तैयारियों और आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए जाए। महाराष्ट्र में कहा गया है, गृहमंत्री अनिल देशमुख ने संकेत दिया कि रेड जोन बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ सकता है। तो जिस तरीके से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए, कहीं पर कहा गया है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए नई रणनीति के साथ, तो देखने वाली बात होगी क्या लॉकडाउन वाकई में बढ़ता है या फिर कुछ राहत के साथ लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, या फिर जो चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही गई थी लॉकडाउन 1 में, वो अब उसको जारी किया जाएगा। बात करेंगे अब नवभारत टाइम्स की, अगर बात करें तो फ्रंट पेज की जो खबर है, बड़ी खबर, कहीं पूरा लॉक कहीं सख्ती होगी डाउन। तो यानी कि किसी जगह पर पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा और किसी जगह पर ये सख्ती में कमी आएगी, क्योंकि जो ग्रीन जोन है वहां पर सरकार ने पहले ही कह दिया है कि अब वहां पर छूट दी जाएगी, लेकिन जो रेड जोन है वहां पर किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी, पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि जो कंटेनमेंट जोन थे वहां पर अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं, कि वहां पर पूरी तरह से जब बंद कर दिया गया तो परिणाम अच्छे मिले हैं, कोरोना के मरीज कम हुए हैं। देश के नाम पीएम का संबोधन वीकेंड में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते में आखिर में शनिवार या रविवार को देश को फिर संबोधित कर सकते हैं। कोरोना संकट पर मोदी का ये देश के नाम चौथा संबोधन होगा। अभी 2-3 दिन मुख्यमंत्रियों के साथ 3 मई के बाद की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा, यानी कि इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों की वित्तीय पैकेज पर भी बात होगी। इस पैकेज का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, हालांकि ये पैकेज 3 मई के बाद ही इसकी घोषणा की जाएगी। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने सायरन बजाते हुए गुरुद्वारे की परिक्रमा लगाई, लंगर के लिए कहा शुक्रिया। एक गुरुद्वारे की तस्वीर है, साथ में ये कैप्शन दिया गया है, और जब 80,000 पुलिस वालों ने कहा मैं भी हूँ हरजीत, तो जिस तरीके से हमने दैनिक जागरण की बात की थी उसमें भी फ्रंट पेज पर जो खबर थी, हरजीत सिंह जो पटियाला में निहंगों ने SI का हाथ काटा था, उन्हीं को लेकर ये न्यूज़ है। तो यहाँ पर 80,000 पुलिस वालों ने उनके नाम की नेम प्लेट लगाई है और उनको सलाम किया है, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं भी हरजीत हूँ। तो एक तरीके से उनको उनके हौसला अफजाई किए कि सभी उनके साथ हैं। वहीं अब बात करते हैं अगली खबर की। 1600 किलोमीटर चलकर युवक मुंबई से श्रावस्ती पहुंचा, 4 घंटे में मौत, 8 घंटे एम्बुलेंस नहीं, RML गेट पर मौत। बिहार से पत्नी का इलाज कराने आए मजदूर का आरोप है कि लापरवाही में पत्नी की जान गई। शनिवार को पत्नी की हालत बिगड़ी थी, 8 घंटे एम्बुलेंस नहीं आई, एम्बुलेंस मिली तो RML ने भर्ती नहीं किया, गेट पर पत्नी ने दम तोड़ा। यह एक अलग खबर है। दूसरी खबर, जो 1600 किलोमीटर पैदल चलकर
मुंबई में फंसे 27 वर्षीय युवक को परेशानी हुई थी। वो 1600 किलोमीटर पैदल चलकर सोमवार सुबह ईस्ट यूपी में श्रावस्ती जिले में अपने गांव पहुंचा। घर वालों से मिला ही था कि प्रशासन ने उसे स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया। 4 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि वो अपने घर पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद जब उसको क्वारंटीन सेंटर में डाला गया है, उसके बाद उसकी 4 घंटे बाद मौत हो गई। गांव वालों ने कहा कि युवक ने पैदल आने की बात बताई थी, दिन चढ़ते ही उसके पेट में जो दर्द हो रहा था उसके साथ उल्टी दस्त शुरू हो गए। इससे पहले कि एम्बुलेंस पहुंचती, उस युवक ने दम तोड़ दिया। तो जहां एक तरफ सरकार बात करती है कि हर गरीब की, हर जो इंसान है हमारे देश में, मदद की जाएगी, लेकिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि लोग जो पैदल जा रहे हैं वो कोरोना से नहीं, भूख से मर जा रहे हैं। क्योंकि भूख की वजह से जब उनकी तबीयत ख़राब होती है, उन्हें समय पर इलाज नहीं मिलता, वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिलती, दवाइयां नहीं मिलती, जिससे कि नतीजा ये होता है कि उनकी मौत हो जाती है। तो सरकार कोरोना पर तो ध्यान दे ही, साथ ही साथ इन लोगों पर भी ध्यान दे कि जो लोग भूख से तड़प रहे हैं, जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएँ करनी चाहिए। ठंड से कपकपी भी है कोरोना का लक्षण। अभी तक कोरोना के लक्षणों में बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत शामिल थी, लेकिन अब 6 नए लक्षण सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक अमेरिकी संस्था सेंटर्स ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC ने बताया है कि अगर किसी को ठंड लगना, ठंड के साथ लगातार कपकपी छूटना, मांसपेशियों में दर्द होना, सरदर्द होना, गले में खराश और स्वाद गंध का एहसास ना होना जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं, तो इस बात की आशंका हो सकती है कि उसे कोरोना हो। इस तरह से कोरोना के अब तक 9 लक्षण सामने आ चुके हैं। CDC के मुताबिक अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ है या भ्रम की स्थिति पैदा हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अब तक 9 लक्षण सामने आ चुके हैं, जिसमें अब ठंड से कपकपी जो होती है वो भी शामिल हो चुके हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं स्पेन में ढील, न्यूजीलैंड और इटली में तैयारी। दुनिया भर में कोरोना के मामले 29 लाख को भले ही पार कर गए हो, लेकिन स्पेन, अमेरिका ने जहां प्रतिबंधों में ढील देना शुरू किया है, वहीं इटली, न्यूजीलैंड में तैयारी है। यूरोपीय देश स्पेन में 6 हफ्तों बाद बच्चों को बाहर खेलने की छूट मिली है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया, ओक्लाहोमा और अलास्का में कुछ कारोबार फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है। न्यूजीलैंड में सोमवार आधी रात से ही कंस्ट्रक्शन कारोबार की छूट मिलने जा रही है। तो यानी कि जो बाहरी देश है वहाँ पर भी छूट देने की अब तैयारी शुरू कर ली गई, क्योंकि जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि अब कोरोना से मुक्ति मिल जाए, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना से हम जंग लड़ रहे थे, बीच युद्ध में पहुँच चुके हैं। अब ज़रूरत है कि थोड़ा सा और आगे चला जाए, थोड़ा सा और जंग लड़ी जाए, क्योंकि कोरोना, जब आपको बता दें कोरोना रूपी रात आई है तो इसकी सुबह भी होगी। तो ज़रूरत है थोड़े से सब्र की और सतर्क रहने की, क्योंकि जितना आप सतर्क रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। लगातार अभी हमने बात की है न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की खबरों की, अब बात करेंगे आगे अगले पेजों की खबरों की, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। काशी की लहरों से लेकर ताश के दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक, यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर, वो चाहे जरायम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू UP 75 में, सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। यस, नो, यस, सॉरी, नो, यस, यस, नो, यू जस्ट ओनली हैव टू प्लेस राइट पर्सन एट राइट प्लेस एंड यस यस यस। बिट्टू को सोनिया मिल गई, रोनू को मोली और बंटी को बबली।
So, what you are waiting for? Please log in www.sanskarwedding.com and for further queries, please call. जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एवीस स्टार न्यूज पर। अटक से लेकर कटक तक, कटक से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं छूटेगी एक भी खबर, वो चाहे कश्मीर की हो या फिर कोलकाता की। खेल के मैदान से सियासत के दंगल तक, हर स्टेट से आपको कराएंगे रूबरू। स्टेट 29 में, स्टेट 29 मतलब चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। एबी स्टार न्यूज हर वक्त आपके साथ। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना, व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम। रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूड स्थान है हिंदुस्तान, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात, मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक, हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक। अनबॉक्सिंग से लेकर ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। काशी की लहरों से लेकर ताश के दीदार तक, सत्ता की गलियारों से लेकर जनता की आवाज तक, यूपी की हर छोटी और बड़ी खबर, वो चाहे जरायम की दुनिया की हो या हो खेल के मैदान की, यूपी की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू यूपी 75 में, सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप। अब तक हमने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की खबरों की बात की, अब अगले पेजों की बात कर लेते हैं। दैनिक जागरण के अगले पेज की अगर बात करें तो हरियाणा दिल्ली में छिड़ा सियासी वाकयुद्ध, कोरोना संक्रमण को लेकर कर्मचारियों के आने जाने पर दोनों राज्यों में बड़ी खींचतान। हरियाणा के मंत्री विज और दिल्ली के सत्येंद्र जैन के बीच आरोप प्रत्यारोप, क्या है पूरी खबर आपको बता देते हैं। बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री का सियासी वार है। हरियाणा सरकार में गृह मंत्री अनिल विज ने सोमवार को बयान जारी किया था कि लोग दिल्ली में काम करने जाते हैं और हरियाणा वापस आते हैं, उनकी वजह से राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि यही कोरोना कैरियर्स हैं जो कोरोना को इधर से उधर ले जाते हैं। तो इसके लिए दिल्ली सरकार को इन पर रोक लगानी चाहिए। इस वक्त एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। वहीं अगली खबर की अगर बात की जाए तो 3 मई के बाद साफ होगी लॉकडाउन की तस्वीर, यानी कि लॉकडाउन की जो तस्वीर है, अभी तक जो लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, तो इसकी तस्वीर अब 3 मई के बाद ही साफ होगी। वहीं अगली खबर बात करेंगे अगली खबर की, तो आशंकित अभिभावकों को निशंक ने
दिलाया भरोसा। दोटू कहा बच्चों के भविष्य और पढ़ाई को लेकर प्रतिबद्ध, ऑनलाइन पढ़ाई सहित सभी जरूरी उपायों पर काम जारी, यानी कि जिस तरीके से स्टे होम स्टे सेफ कहा गया, साथ ही साथ जो दूसरी बात कही गई स्टडी एट होम, तो घर पर पढ़ाई करने का जो ऑनलाइन तरीका निकाला गया। अब पाठ्यक्रमों की भी बात की जाए तो एडमिशन्स और पाठ्यक्रम भी ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। तमाम तरीके से कोशिश कर रही है सरकार की, अगर लॉकडाउन जारी है तो इस बीच में बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से जारी रखी जाए। चीन के खिलाफ दुनिया की नफरत को भारत आर्थिक अवसर बनाएगा, नितिन गडकरी का कहना है कि जो चीन के खिलाफ दुनिया की नफरत है, भारत एक अवसर बनाएगा। किस तरीके से बनाएगा, आपको बता दें मंत्री ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सकता है। सरकार ने कोविड-19 के बाद से आर्थिक युद्ध को जीतने के लिए नीतियां बनाई हैं, यानी कि कोई नीति ऐसी बनाई जाएगी जिस तरीके से जो विदेश हैं, भारत के बाहर के जो देश हैं वो हमारे देश की तरफ आकर्षित हो आर्थिक जो निवेश है उसके लिए। क्योंकि चीन के खिलाफ इस वक्त जब दुनिया की नफरत फैल चुकी है तो भारत इस चीज़ को एक अवसर में बदलना चाहता है। अब अगले पेज की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र और गुजरात में बिगड़ रहे हालात तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। तो महाराष्ट्र और गुजरात की हमने जैसे कि शुरुआत में ही बात की थी, आंकड़े महाराष्ट्र गुजरात और दिल्ली में सबसे ज़्यादा हैं। शुरुआती अगर दो राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात वो राज्य हैं जहाँ पर आंकड़े तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अंतर्राज्यीय आवाजाही को सभी राज्यों के लिए एक नीति बनाए केंद्र नीतीश, रखी बात। कोटा के बिहारी छात्रों का संदर्भ ले बिहार के मुख्यमंत्री ने की ये बात, कहा कि कई राज्यों द्वारा बिहारी मजदूरों को बिहार भेजने का बनाया जा रहा दबाव जो कि अभी सही नहीं है। बात कर लेते हैं जो जंग जारी है उसके बारे में, क्योंकि कोरोना से इस वक्त दुनिया जंग लड़ रही है। तो जो दुनिया जंग लड़ रही है उसके बारे में यहाँ पर जो खबरें हैं, साथ ही साथ गृह मंत्रालय की एक खबर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले देश में गेहूं की 80% से अधिक फसल की कटाई हुई, अच्छे संकेत हैं कि कृषि क्षेत्र में सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है देश, यानी कि कृषि क्षेत्र में जो थोड़ी सी छूट दी गई थी उसकी उसको देखते हुए देश सामान्य स्थिति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्लाज्मा दान कर देंगी कोरोना मुक्त होने का सबूत कनिका कपूर, यानी कि कनिका कपूर जो सिंगर कनिका कपूर कोरोना संक्रमित हुई थी, अब वो प्लाज्मा देंगी, अपना डोनेट करेंगी, जिसके बाद वो सबूत देंगी कि वो कोरोना मुक्त हो चुकी है। इस तरीके से लगातार हमने बात की है न्यूज़पेपर की, बड़ी बड़ी खबरों की, छोटी छोटी खबरों की, हर बार कोशिश रहती है कि गुड मॉर्निंग भारत के जरिए आप तक हर एक खबर पहुंचाए और आपको सच से रूबरू कराया जाए। क्योंकि हर इंसान सुबह यही चाहता है कि उसकी शुरुआत हो तो न्यूज़पेपर के जरिए हो, तो अगर न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ पाते तो गुड मॉर्निंग भारत की हमेशा यही कोशिश रहती है कि न्यूज़पेपर की बड़ी बड़ी खबरें और जो देश में घटित हो रहा है वो आप तक पहुंचाया जाए। तो इसी के साथ फिलहाल गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ABC News।